बीजेपी प्रदेश भर में 40 से अधिक पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुकी है। ऐसा ही एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन पलवल जिले की हथीन विधानसभा में चल रहा था, लेकिन इसी दौरान पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए लोग हंगामा करने लगे। मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि उनकी सरकार में 24 घंटे बिजली मिलती है। ये बात सुनते ही सम्मेलन में मौजूद गहलप, कलसाड़ा, वजादा, पहाड़ी और भामरोला गांव के लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ बिजली 24 घंटे नहीं आती, खराब फसलों का मुआवजा भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है। धीरे धीरे टेंट में हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मंच पर मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत इन ग्रामीणों की नाराजगी को भांपते हुए मंच से ही बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को फोन लगाकर बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की बात कही, जिसके बाद ये ग्रामीण शांत हुए। पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ही आए लोग जब पार्टी की कमियां निकालने लगे तो ये किसी भी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। भले ही ओम प्रकाश धनखड़ ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को कंट्रोल कर लिया, मगर इसकी चर्चा अब दूर दूर तक हो गई है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए लोग ही पार्टी नेताओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहा, अब वो सुन लीजिए। पार्टी बहुत तेजी के साथ अपना काम कर रही है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में हमने 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं रखी हैं, जिनका जुम्मा मोर्चों को दिया है। 22 यात्राएं युवा मोर्चा को दी हैं, 20 यात्राएं किसान मोर्चा को दी हैं और 17 यात्राएं एससी मोर्चा को दी हैं, 15 महिला मोर्चा को, 15 पिछड़े वर्ग मोर्चा को और 1 यात्रा जो है अल्पसंख्यक मोर्चे को दी है। पार्टी का काम इसी प्रकार से तेजी से बढ़ाते रहेंगे। सर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभी दौरा हुआ पलवल में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार ने वक्त रहते बांध के तमाम इंतजाम नहीं किए और जल्द से जल्द जो मुआवजे की मांग वो करें, लेकिन सरकार कहेगी कि 15,000। उन्होंने कभी इस तरह से घोषित नहीं किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जैसे सरकार ने किया है। सबको मालूम है अप्रत्याशित बारिश हुई है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है और बड़ी तेजी के साथ सरकार ने इंतजाम किए। सर, बिजली पानी की समस्या को लेकर जिस तरह से लोगों को आना पड़ा है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बात उठाना बहुत जायज़ बात है, लोग बात उठाते तभी पूछती है, लेकिन मज़ा इस बात का है कि तुरंत बिजली मंत्री से बात करके उनकी समस्या का समाधान सेकेंडों में यहाँ करने का काम किया है। इसके साथ ही जो आगरा कैनाल में पानी नहीं आ रहा उसकी भी बात EIC से करके पानी पहले इसकी बात नहीं, बिल्कुल अधिकारी भी बात करने से सारी की सारी बात सुनते हैं, लेकिन हमेशा कहीं कोई कठिनाई आती है तो पूछानी तो पड़ती है।